हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे होली के लिए खास तीन तरह के स्पेशल नाश्ते जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और आप इन्हें लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये सभी को बहुत पसंद आएंगे, तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। नमक पारे बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बोल ले लिया है। अब हम उसमें 1.5 कप मैदा डालेंगे, आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। ये मैंने 1 छोटी चम्मच अजवाइन ली है, इसे हाथों से क्रश कर लेंगे फिर डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें 5 से 6 चम्मच ऑयल डाल देंगे। आप ऑयल की जगह पे घी का भी यूज कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। और इसे अच्छी तरीके से मैदे में मिला लेंगे। और ये देख सकते हैं, मैंने इसे अच्छे से मिला लिया, अच्छी सी मुट्ठी बन रही है, मैदा बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त आटे का डो लगा के तैयार करेंगे। नमक पारी बनाने के लिए हमेशा सख्त आटे का डो लगा के तैयार करें। और ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ बहुत ही सख्त आटे का डो लगा के तैयार कर लिया है, आटा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसकी ऐसी लोइयाँ बना के इसे रोल कर लेंगे। इसे बहुत पतला रोल करें और ये देख सकते हैं मैंने इसे कितना पतला रोल कर लिया है। साइड के ऐसे हम हटा देंगे। अब हम इसमें पतली पतली स्ट्रिप कट कर लेंगे। एक में कम से कम आपको 12 स्ट्रिप कट करनी है, या आप चाहें तो 9 भी कट कर सकते हैं। चार चार को हम डिवाइड कर लेंगे और हम इसकी अब चोटी बना लेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मैंने सारे नमक पारे बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे एक पैन में तेल गरम कर लिया था। तेल बिल्कुल हल्का गरम होना चाहिए। सारे नमक पारे को उसमें डाल देंगे। इसे हमें बहुत ही लो फ्लेम पर फ्राई करना है। और ये देख सकते हैं कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, नमक पारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसे फ्राई करने में लगभग 7 से 8 मिनट का समय लग जाता है। इसे निकाल लेंगे और ये हमारे बहुत ही खूबसूरत नमक पारे बनके तैयार हो गए। ये देख सकते हैं देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप मैदा लिया है। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालें, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। अब हम इसमें 4 से 5 चम्मच ऑयल डाल देंगे, आप इसकी जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ऑयल को अच्छे से आटे में मिला लें और ये देख सकते हैं मैंने इसे बहुत अच्छे से मिला लिया, अच्छी सी मुट्ठी बन रही है, आटा बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त आटे का डो लगा के तैयार करेंगे। निमकी बनाने के लिए हमेशा सख्त आटे का डो लगा के तैयार करें। और ये देख सकते हैं मैंने यहाँ कितना सख्त आटा लगा के तैयार कर लिया है, आटा बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। 20 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। थोड़ा सा मसल लेंगे। अब हम इससे निमकी बनाएंगे। निमकी बनाने के लिए हम इससे छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। और यहां मैंने सारी लोइयों को तोड़ के तैयार कर लिया, ये देख सकते हैं। अब हम इससे निमकी बनाएंगे। इसे हम रोल कर लेंगे, इसे पतला रोल कर लें। और ये देख सकते हैं मैंने इसे इतना पतला रोल कर लिया है। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा छेद कर देंगे ताकि ये फ्राई करते समय फूले नहीं और क्रिस्पी रहे। और ये हमारी एक निमकी बनके तैयार हो गई है। इसी तरीके से सभी निमकी को बना के तैयार कर लेंगे। निमकी तैयार है, अब हम इसे फ्राई करते हैं।
इसे फ्राई करने के लिए मैंने पैन में तेल गरम कर लिया है। तेल गरम हो चुका है, अब हम उसमें निमकी डालेंगे। इसे आप लो फ्लेम पे ही फ्राई करें। इसे फ्राई करने में लगभग 6 से 7 मिनट का समय लग जाता है, क्योंकि हम इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करते हैं। इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। और ये देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आने लगा है। निमकी अच्छे से फ्राई हो गई है, अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से सभी निमकी को बना के तैयार कर लेंगे। और ये देख सकते हैं कितना क्रिस्पी निमकी बनके तैयार है। आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ये मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदे को हम एक बोल में डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। और ये मैंने 1 चम्मच अजवाइन लिया है। इसे अच्छे से हाथों से क्रश करके डालें, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें 4 चम्मच ऑयल डाल देंगे, आप चाहे तो घी का भी यूज कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ऑयल को आटे में बहुत ही अच्छे से मिलाएं ताकि इसकी अच्छी सी मुट्ठी बदने लगे। और ये देख सकते हैं अच्छी सी मुट्ठी बद रही है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त आटे का डो लगा के तैयार करेंगे। और ये देख सकते हैं मैंने यहाँ कितना सख्त आटा लगा के तैयार कर लिया है। अब हम इसे ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। और 20 मिनट हो चुके हैं, आटे की मैंने ऐसे लोई बना ली है। अब हम इसे रोल कर लेंगे। इसे आप पतले में लंबे में रोल कर लें। और ये देख सकते हैं मैंने इसे कितना पतला लंबा रोल कर लिया है। अब हम इसे ऐसे साइड से कट कर लेंगे और इसकी ऐसे पतली पतली स्ट्रिप कट कर लेंगे। आप 1 में 10 स्ट्रिप कट करें। और ये देख सकते हैं मैंने इसे हाफ भाग में डिवाइड भी कर दिया है। अब हम दोनों हिस्सों को उठाएंगे और ऐसे रस्सी की तरह मोड़ते जाएंगे, फिर दोनों को 1 में चिपका देंगे और आपस में 1 दोनों को जोड़ देंगे और लास्ट मिला के इसे अच्छे से चिपका देंगे। और ये हमारा एक नाश्ता बनके तैयार हो गया। और ये मैंने सारे बना के तैयार कर लिए। अब हम इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे एक पैन में तेल गरम कर लिया। तेल गरम हो चुका है, सारे नाश्ते को डाल देंगे। हमें इसे फ्राई करने के लिए बहुत हल्का तेल गरम होना चाहिए। आप इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करें। एक साइड से हल्का सिक गया है, पलट लेंगे और इसे पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। इसे एक बार फ्राई करने में 7 से 8 मिनट का समय लग जाता है। और ये देख सकते हैं कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी भी हो गया है और इसके लेयर्स भी बिल्कुल अच्छे से दिख रहे हैं। नाश्ता हमारा फ्राई हो गया, इसे निकाल लेंगे। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार चाय के साथ खाने वाला नाश्ता बनके तैयार है। आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।